नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों 2213 दरोगा बहाली पीटी परीक्षा संपन्न हो चुकी है और इस परीक्षा में प्रश्नों का जो स्तर था वो पिछली परीक्षाओं की तुलना में काफी हार्ड था। 1717 दरोगा बहाली, 2446 दरोगा बहाली की तुलना में 2213 दरोगा बहाली के पीटी परीक्षा का प्रश्न काफी हार्ड था, काफी टफ था। और इतना ही नहीं, 2213 दरोगा बहाली के पीटी परीक्षा में कई प्रश्न ऐसे थे जो आउट ऑफ सिलेबस थे, कई प्रश्न उठपटांग पूछे गए, कई प्रश्न जो है उलझाऊ थे और कई प्रश्नों के ऑप्शंस, खासकर जो डाटा आधारित है, वो एग्जैक्ट सही नहीं था। जो एग्जैक्ट सही ऑप्शन होना चाहिए उससे थोड़ा कम और थोड़ा ज्यादा करके ऑप्शन दिया गया है। और बीपीएसएससी पता नहीं बिहार दरोगा की बहाली करना चाहती है या रसोईया और समाजशास्त्री की बहाली करना चाहती है, इस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे लगता है समाजशास्त्रियों की नियुक्ति करना हो या रसोईया की नियुक्ति करना हो, तो आउट ऑफ सिलेबस और उठपटांग प्रश्न पूछे गए हैं। करंट अफेयर्स में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे गए जो कि नहीं पूछा जाना चाहिए था अभी। और दूसरी तरफ उत्तर भी वायरल नहीं हुआ, जैसा कि 2446 दरोगा बहाली में उत्तर वायरल हुआ था, लाखों लोगों के पास उत्तर चला गया था परीक्षा से एक दो घंटा पहले ही। 1717 दरोगा बहाली में पीटी का जो कटअप था वो 109 जनरल कैटेगरी में बॉयज के लिए था, यानी कि 54.5 क्वेश्चन। और 2446 दरोगा बहाली में 66 गया था जनरल कैटेगरी में बॉयज का कटअप, प्रश्नों की मैं बात कर रहा हूं, 66 प्रश्न। और 2446 दरोगा बहाली में खुलेआम आंसर वायरल था, लाखों लोगों के पास आंसर गया था और प्रश्न का भी जो स्तर था वो सामान्य नहीं था। और 2213 दरोगा बहाली में उत्तर वायरल नहीं हुआ, उत्तर वायरल नहीं हुआ ये आंदोलन का ही असर था जो पिछली परीक्षा में 2446 दरोगा बहाली के दरमियान हम लोगों ने इतना जबरदस्त आंदोलन किया उसका ही असर कहिए कि इसमें उत्तर वायरल नहीं हुआ। तो एक अच्छी बात है कि उत्तर वायरल नहीं हुआ। और दूसरी तरफ इसमें प्रश्नों का स्तर काफी हार्ड था, पिछली परीक्षाओं की तुलना में काफी हार्ड प्रश्न पूछे गए, आउट ऑफ सिलेबस कई प्रश्न पूछे गए, उठपटांग प्रश्न पूछे गए। तो ऐसी परिस्थिति में कटअप काफी कम जाना चाहिए, यानी कि अभी तक रिकॉर्ड जितना नहीं गया होगा कटअप का कम, उतना कटअप कम जाना चाहिए। और मुझे तो लगता है कि 53 से 55 ही जनरल कैटेगरी में मेल का कटअप जाना चाहिए, 53 से 55, 55 से नीचे ही कटअप रहना चाहिए, 55 से ऊपर तो जाना ही नहीं चाहिए। अगर 55 से ऊपर कटअप जाता है तो इसका मतलब ही होगा कि अंदर से बड़े पैमाने पे धांधली ही नहीं महाधांधली की जा रही है और सेटिंग गेटिंग हो रहा है, 25 लाख रुपया लेकर सीट बेचा जा रहा है, तभी 55 से ऊपर कटअप जा सकता है, अन्यथा 55 से ऊपर कटअप जा ही नहीं सकता है। आप बीपीएससी में देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग में निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, फिर भी कितना परसेंटेज लोग लाते हैं, कटअप कितना जाता है, 150 में 98-99 कटअप जाता है जनरल कैटेगरी बॉयज का। और पिछले बार 66वीं बीपीएससी में चूंकि पेपर लीक था इसलिए 108 कटअप गया था, वो भी बीपीएससी के इतिहास में पहली बार हुआ कि 108 कटअप गया, नहीं तो 100 से नीचे ही कटअप रहता है हर बार, या 100 तक जाता है, 100 से ऊपर कटअप कभी नहीं गया बीपीएससी का, जबकि वहां निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है और इस दरोगा बहाली में तो निगेटिव मार्किंग भी है। तो 55 से ऊपर कटअप नहीं जाना चाहिए, 55 से नीचे ही कटअप रहना चाहिए। अगर सेटिंग गेटिंग हुआ तो 55 से ऊपर कटअप तो जा ही सकता है। और ये बहुत बड़ी साजिश के तहत ऐसा किया गया है कि आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न पूछा गया, जिसका खुलासा मैं बहुत जल्द करूंगा। और जहां तक कटअप की बात है तो जनरल कैटेगरी मेल का कटअप 53 से 55 रहना चाहिए, उसके बाद जनरल कैटेगरी में फीमेल का कटअप 34-35 जा सकता है, 34-35 बहुत हुआ। उसके अलावे ईडब्ल्यूएस का मेल का कटअप आपको 45 से 47, फीमेल का कटअप 31-32 बहुत हुआ। इसके अलावे BC2 का कटअप 51-52, मान लीजिए 51-52, फीमेल का कटअप 32 बहुत हुआ। EBC का मेल का कटअप 48 चला जाए, 48-49 बहुत हुआ, इतना ही कटअप जाना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। और SC में 40-39 कटअप, 40-39 बहुत हुआ, 39 से 40 मानिए लड़का का, बॉयज का, और फीमेल का कटअप वही 30, इससे ज्यादा कटअप नहीं जाना चाहिए किसी भी परिस्थिति में। और गर्ल्स का तो हमें लगता है जो गर्ल्स है फीमेल है उसका तो जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना है उतना लाने के बाद हर कैटेगरी में सिलेक्शन हो जाएगा, हर कैटेगरी में फीमेल का गर्ल्स का जो उनका कैटेगरी होगा उसमें मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स लाना है उतना मार्क्स, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने के बाद गर्ल्स का सिलेक्शन आराम से हो जाना चाहिए और होना भी चाहिए और होगा भी। अगर धांधली नहीं हुई तो, अगर महाधांधली होगी तभी इससे ज्यादा कटअप जा सकता है। आप देखिए पिछला रिकॉर्ड देखिए और उसके बाद ये कंपैरिजन कीजिए। और बहुत जल्द मैं ये खुलासा करूंगा कि बीपीएसएससी ने आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन क्यों पूछा और उठपटांग क्वेश्चन क्यों पूछा है, इसके पीछे बहुत बड़ा राज है, बहुत बड़ी साजिश है, जिसका खुलासा मैं बहुत जल्द करने जा रहा हूं।
फिलहाल जो कटअप मैंने बताया है, बहुत रिसर्च करने के बाद ये कटअप बताया है, मैंने लगभग 40-45 हजार स्टूडेंट्स के साथ वार्तालाप करके ये कटअप जारी किया है, ये कटअप बता रहा हूँ। और वो वार्तालाप मैंने कैसे किया है, टेलीग्राम ग्रुप से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, और टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से, और फेसबुक के माध्यम से, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे फोन भी किया है, लगभग 300-400 स्टूडेंट्स ने मुझे अभी तक फोन किया है, जो कि पढ़ने में काफी मेधावी है, और जो पिछले बार दरोगा का अंतिम तक पहुंच चुके हैं, मेरिट में भले वो छट गए आयोग के वजह से, आयोग ने जो धांधली की उसकी वजह से वो मेरिट में अंत तक छट गए, कटअप से ज्यादा मार्क्स लाने के बाद भी वो छट गए। तो ऐसे ऐसे परीक्षार्थियों ने मुझे फोन करके बताया है कि वो कितना सही किए हैं, कितना बना के आए हैं, और लगभग 40-50 हजार स्टूडेंट्स के बीच हमने इस बात को रखा है टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक के माध्यम से, और इसके बाद हमने इस कटअप को तय किया है, और पिछली परीक्षाओं का भी हमने आकलन किया है, क्योंकि मैं खुद भी हर एग्जाम को ध्यान देता हूँ, देखता हूँ, मैंने खुद भी परीक्षा दिया है, कई परीक्षाओं को दिया है, तो इस आधार पर मैंने और परीक्षार्थियों से पूछा है। सबसे बड़ी बात कि 40-50 हजार स्टूडेंट्स से जो वार्तालाप हुई है व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से और फोन कॉल्स के माध्यम से, जो 350-400 लगभग अभ्यर्थियों का फोन अभी तक आ चुका है एग्जाम के बाद से ही, जो फर्स्ट सिटिंग हुआ 26 दिसंबर को, फर्स्ट सिटिंग की परीक्षा समाप्ति के बाद से ही फोन आने लगा फर्स्ट सिटिंग वाले स्टूडेंट्स का, उसके बाद सेकंड सिटिंग का समाप्त हुआ, सेकंड सिटिंग वाले स्टूडेंट्स का भी फोन आने लगा, तो अभी तक मुझे लगता है 350-400 स्टूडेंट्स का फोन भी आ चुका होगा, उससे ज्यादा ही हो सकता है हो, तो इस आधार पर मैंने कट ऑफ तय किया है। तो आप लोग तैयार रहिए कि बीपीएसएससी अगर इस बार कोई धांधली करती है तो इस बार छोड़ना नहीं है, बीपीएसएससी को छोड़ना नहीं है, ईंट से ईंट बजा देना, बस आप लोग एकजुट रहिए और आप लोग तैयारी भी कीजिए, और जहां भी कुछ गड़बड़ी मिले, किन्हीं के पास अगर पेपर लीक का सबूत हो, उत्तर वायरल का सबूत हो, तो आप हमें तुरंत भेजिए 7282005656 इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कीजिए या कॉल करके बताइए, अगर किन्हीं के पास सबूत होगा तो हम उस पर जरूर कार्रवाई करेंगे, आंदोलन करेंगे और जो भी करना होगा करेंगे, लेकिन आप लोग सबूत दीजिएगा तो, ऐसे तो नहीं माना जाएगा कि पेपर लीक था, आंसर वायरल था, क्योंकि अभी तक हमारे पास कोई सबूत ऐसा नहीं आया है। अगर आप लोगों में से किन्हीं के पास है तो हमें दीजिए, हम जरूर इस पे करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। बंटी ज्वेलर्स एंड ब्रदर्स अनिशाबाद अपोजिट लाल मंदिर की तरफ से मैरी क्रिसमस और नए साल की बधाई, और नए साल में हमारे यहाँ हर एक खरीद पे कुछ न कुछ उपहार आप निश्चित पाएं, प्लीज कम। हैप्पी क्रिसमस, नव वर्ष का शुभकामना देता हूँ बालवाड़ी केंद्र द्वारा। गरीब बच्चा महादलित टोला में शिक्षा मुफ्त देने का काम करता हूँ। स्कूलों से जो वंचित बच्चे हैं, जो स्कूल से नहीं जुड़ा है, उनको बालवाड़ी केंद्र खोल करके उनको सिखाने का काम करते हैं। और हमारी जहाँ तक बालवाड़ी देशवासियों के लिए बहुत बहुत शुभकामना है, जो बालवाड़ी केंद्र में लोगों ने मदद पहुँचाने का काम कर रहे हैं, और हम समाज के बीच में जा करके शिक्षा के प्रति उजागर काम कर रहे हैं।